हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। होप आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे DDU फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कोड 117 बी जनसंख्या शिक्षा, उसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो सिद्धांत पढ़ लिए हैं। एक है मालथस का सिद्धांत जनसंख्या संबंधित, और दूसरा है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, और ये तीसरा है जनसंख्या के जैविकी या प्राकृतिक सिद्धांत, और चौथा है जनसंख्या के सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत, जनसंख्या के जैविकी या प्राकृतिक सिद्धांत। आइए हम शुरू करते हैं। जो जैविकी प्राकृतिक सिद्धांत है उसमें 5 सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है माइकल थॉमस सैडलर का घनत्व तथा संतान उत्पादकता का सिद्धांत, दूसरा है वृद्धिघात वक्र सिद्धांत, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर का प्रजनन फलन विश्लेषण, चौथा जॉर्ज डी केस्ट्रो का प्रोटीन उपभोग सिद्धांत, और जो पांचवा है कुजुंस्को का जैविकी सिद्धांत। इसको हम बहुत ही शॉर्ट्स में पढ़ेंगे, और जिसमें पहला है माइकल थॉमस सैडलर का घनत्व या संतान उत्पादकता का सिद्धांत। तो ये इनके सिद्धांत के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें जनसंख्या घनत्व और संतान उत्पादकता के बारे में पढ़ना है। तो सैंडलर के अनुसार जैसे जैसे देश का घनत्व तो बढ़ता है, वैसे वैसे वहाँ की प्रजनन दर में गिरावट आती है। यानी जो सैडलर है उन्होंने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जनसंख्या अगर घनत्व में वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर घट जाएगी। यानी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि तथा उसके जनसंख्या वृद्धि दर में अनुलोम यानी विपरीत का अनुपात होगा। यानी जब जनसंख्या घनत्व वृद्धि होगी तो जनसंख्या जो है वृद्धि दर घट जाएगी, और जब जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगी तो ये घट जाएगी। यानी इनमें अविलोम विपरीत का अनुपात होता है। मालथस ने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि, मालथस का सिद्धांत आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। इसमें मालथस ने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, और इसका सैंडलर ने खंडन किया है कि सैंडलर का मत था कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है, मनुष्य में संतान पैदा करने की क्षमता घट जाती है। यानी ये सैंडलर ने कहा था। और सैंडलर का एक और अवधारणा है वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में, कि मृत्यु दर अधिक जहाँ होगी वहाँ जन्म दर भी अधिक होगा, और जहाँ दर मृत्यु दर कम होगी वहाँ जन्म दर भी कम होगा, ये सैंडलर महोदय ने कहा। और सैंडलर के सिद्धांत की समीक्षा, यानी सैंडलर के सिद्धांत की आलोचना कुछ वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें निम्न है। आलोचकों ने सैंडलर सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की है, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है संतान उत्पादन शक्ति तथा प्रजनन शक्ति प्रजननता शब्दों का समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग। यानी उन्होंने जो संतान उत्पादन शक्ति है और प्रजननता, इस सभी को एक ही अर्थ में लिया, जबकि संतान उत्पादन शक्ति से अर्थ है संतान उत्पादन को शारीरिक क्षमता से है। यानी जो संतान उत्पादन शक्ति है वह शारीरिक क्षमता से संबंधित है, जबकि प्रजननता वास्तविक पुनरुत्पादन से संबंधित है, यानी एक्चुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है विरोधाभास, यानी इनके जो जो सिद्धांत में है वो घनत्व अधिक होगी वहाँ मृत्यु भी अधिक होगा, इन्होंने बताया था। तो जहाँ जन्म भी अधिक होगा वहाँ मृत्यु भी अधिक होगी, यहाँ इनका दूसरा सिद्धांत। इन्होंने यहाँ पर अपने ही सिद्धांत का खुद ही विरोध किया है, जबकि उन्होंने कहा था कि जनसंख्या घनत्व दर बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी और कम होगी। हमारा तीसरा उनकी आलोचना हुई वास्तविक जगत में सत्य सिद्धांत नहीं, यह सिद्धांत वास्तविक संसार में सिद्ध नहीं है। यानी संसार के अनेक भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, किंतु उस भाग में जनधर्म की कोई कमी नहीं है, जैसे भारत चीन जापान आदि। हमारा दूसरा सिद्धांत है वृद्धिघात वक्र सिद्धांत। इस सिद्धांत को 1835 में एडोल्ड क्यूटलेट ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के मार्ग में रुकावटों या बाधाओं में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की गति के वर्ग के बराबर होता है। यानी उन्होंने यही बताया है, जो
अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में रुकावट में वृद्धि है वह जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की गति के वर्ग के बराबर होता है। आप इसको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर हुस्ट ने 1838 में यह सुझाव दिया कि जनसंख्या वृद्धि के मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए सममिति सैद्धांतिक वक्र यानी वृद्धि घात अधिक उपयुक्त है। इन्होंने वरहुस्ट ने कहा कि जो सममिति सैद्धांतिक वक्र यानी उन्होंने वृद्धि घात सिद्धांत को सममिति सैद्धांतिक वक्र कहा कि ये बहुत ही उपयुक्त है। उसके अनुसार वृद्धि अति जनसंख्या के तथा कुल जनसंख्या के अनुपात से होती है। और हमारा अगला पॉइंट है कि अमेरिकी जीव वैज्ञानिक रेमंड पर्ल तथा लावेल जे रीडी रीड ने अपनी पुस्तक द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में वृद्धि घात सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने एक प्रयोग पहले फलों और मक्खियों के साथ किया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है रेमंड पर्ल्स एंड लावेल जे रीड की। और उन्होंने जो वृद्धि घात सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है फलों और मक्खियों पर किया था। और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने बताया कि रेमंड तथा पल्स ने बताया है कि जनसंख्या दर जो है सॉरी जनसंख्या सदा जो है तेजी से बढ़ती है, फिर क्या हो जाता है कि वृद्धि दर कम होती है और अंत में तेजी से घटने लगती है और जनसंख्या कुछ समय किंतु उस मूल बिंदु से अधिक होती है। एक न्यूनतम बिंदु तक घटने के बाद जनसंख्या पुनः जो है बढ़ने लगती है। यानी उन्होंने ये जो ग्राफ दिया है कि पहले जनसंख्या बढ़ेगी खूब ज़्यादा बढ़ेगी, उसके बाद सिवा जनसंख्या है वह वृद्धि दर उसमें रुकावट आ जाएगी और वह कुछ समय तक वो रुकी रहेगी यहाँ जहाँ से A1 से A2 तक रुकी हुई है। उसके बाद से यह A2 से शुरू होगी यानी फिर जनसंख्या बढ़ेगी और जो है फिर जनसंख्या फिर घटेगी तेजी से। यानी उन्होंने बताया कि अगर ये जनसंख्या यहाँ से बढ़ रही है A से A1 तक तो यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी स्थिर तो होगी, लेकिन फिर जो बढ़ेगी जनसंख्या इस वाले जनसंख्या से अधिक होगी। इस वक्र का आकार जो है यक्ष के आकार का होता है, यक्ष अक्षर के समान। तो ये वृद्धि घात का सिद्धांत है। इनकी आलोचना हुई कि वृद्धि घात हमेशा किसी देश की जनसंख्या और पिछली जनसंख्या को ठीक से प्रदर्शित नहीं करता है। और दूसरा यह सिद्धांत नहीं किया जा सॉरी यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वृद्धि प्रक्रिया की आंतरिक प्रकृति के कारण जनसंख्या वृद्धि घात का अनुकरण करेगी। और हमारा तीसरा पॉइंट है जो विचार निम्न जाति के कीड़े मकोड़े के संबंध में सत्य हैं कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के लिए लागू हो। यानी उन्होंने मक्खियों पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ये सिद्धांत जरूरी नहीं है कि ऐसे मनुष्यों पर लागू हो कि मक्खियों की तरह भी इंसान पहले बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा और फिर उनमें रुकावट आएगी। चौथा है यह कृषि प्रवृद्धि में विकास के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का अध्ययन नहीं करता है। अब हमारा तीसरा सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर का प्रजनन फलन विश्लेषण। स्पेंसर का जनसंख्या सिद्धांत सैडलर तथा डबलडे के जनसंख्या सिद्धांत के समान ही है। स्पेंसर के अनुसार प्राकृतिक नियम मनुष्य की संख्या को निर्धारित करती है। यानी स्पेंसर ने कहा है कि जो जो प्राकृतिक नियम है वह मनुष्य की संख्या को निर्धारित करती है। तो स्पेंसर ने निम्नलिखित दो तत्वों का उल्लेख किया है जिसमें पहला है अव्यक्तिकरण। जब अव्यक्तिकरण का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, जैसे कि रंग रूप को संवारना, पहनावे की ओर अधिक ध्यान देना, शिक्षा को महत्व देना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की सुरक्षा करना आदि। और दूसरा है संतान उत्पादन शक्ति। ये व्यक्ति के विकास अधिक होगा तो जो प्रजनन शक्ति है वह कम होगी। यानी अगर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास ज्यादा करता है तो वहाँ पर वह प्रजनन शक्ति कम होगी। स्पेंसर ने जनसंख्या सिद्धांत को विकासवादी सिद्धांत के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रजनन दर वृद्धि जीव के आकार से संबंधित है। यानी इस सिद्धांत में जो है स्पेंसर ने बताया कि दो तत्वों का उन्होंने उल्लेख किया है जिसमें पहला है अभिव्यक्तिकरण और दूसरा संतान उत्पादन शक्ति।
स्पेंसर ने मनुष्य को 3 भागों में बांटा है, यानी एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पेंसर ने मनुष्य को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। पहला है धनी, दूसरा गरीब और तीसरा मध्यम वर्गी। और धनी वर्ग जो है व्यक्तिगत विकास बढ़ता है तथा प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है, यानी धनी वर्ग के लोग अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं और इससे प्रजनन शक्ति में कमी आती है। दूसरा है गरीब व्यक्ति, व्यक्तिगत विकास कम होता है किंतु प्रजनन शक्ति में वृद्धि। और तीसरा है मध्यम वर्गीय, जो प्रजनन शक्ति है मध्यम रहती है। व्यक्तिगत विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना जो रहन सहन है वह उच्च विचार करने लगता है, यानी वह शिक्षित हो जाता है, वह अपने आप में जो आर्थिक तरक्की है उसको करना शुरू कर देता है। और इनके सिद्धांत की आलोचना हुई कि इन्होंने ये बताया था कि व्यक्तिगत विकास होगा तो प्रजनन शक्ति कमी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों में व्यक्तिगत विकास होते हुए भी प्रजनन दर में कमी नहीं है। अब हमारा चौथा सिद्धांत है जॉर्ज डी केस्ट्रो का प्रोटीन उपभोग सिद्धांत। जॉर्ज डी केस्ट्रो ने अपनी पुस्तक द जियोग्राफी ऑफ द हंगर में बताया कि प्रजनन संबंध पर आधारित है, यानी जॉर्ज डी केस्ट्रो की जो पुस्तक है द जियोग्राफी ऑफ द हंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और केस्ट्रो के अनुसार प्रोटीन युक्त भोजन करने से मनुष्यों में मोटापा बढ़ता है, जिससे प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। और कम प्रोटीन युक्त भोजन करने से क्या होता है, प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है, बस इनका यही एक सिद्धांत है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो स्त्रियों में पाया जाता है यकृत तथा अंडाशय के कार्य में सीधा संबंध होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिससे यकृत जो है वह ठीक से कार्य नहीं कर पाता, यानी जब यकृत ठीक से कार्य नहीं कर पाता तो सिरोसिस रोग हो जाता है, इससे प्रजनन शक्ति में वृद्धि हो जाती है। क्रिस्टोनो के प्रोटीन उपभोग सिद्धांत में उन्होंने यही कहा है, क्रिस्टोनो ने। उनके सिद्धांत का मूल्यांकन यानी उनके कुछ आलोचक भी है जिनमें है थॉमसन तथा लेविस ने बताया कि खान पान का विशेषकर प्रोटीन युक्त भोजन का संतान उत्पादक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और केस्ट्रो के अनुसार आर्थिक विकास के कारण जब प्रजननता घट जाती है किंतु अधिकांश देशों में आर्थिक विकास के कारण प्रजनन दर में वृद्धि हुई है। हेलेवेनस्टाइन ने केस्ट्रो के मत की आलोचना की है कि जो उनके अनुसार यदि आर्थिक विकास की और पहले ही ध्यान दिया जाए तो जन्मदर स्वयं ही कम हो जाएगी। हमारा पांचवा सिद्धांत है कुजुंस्की का जैविकीय सिद्धांत। कुजुंस्की ने जनसंख्या के भविष्य में विकास के लिए विश्लेषण में अपना शुद्ध पुनरुत्पादन दर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुजुंस्की का सिद्धांत जो है जनसंख्या के मापने की विधि को स्पष्ट करती है, यानी जनसंख्या के मापने की विधि को स्पष्ट करती है कुजुंस्की का सिद्धांत। कुजुंस्की के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि की दर जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर पर आधारित नहीं होती, यानी जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वह जन्म दर और मृत्यु दर पर के अंतर पर आधारित नहीं है, कुजुंस्की ने कहा। जब और किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर संतान उत्पादन आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी जितनी भी संतान उत्पन्न करने वाली आयु वर्ग की स्त्रियाँ हैं उन पर जो है जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है, कुजुंस्की ने बताया। जी एच वार्कले के अनुसार जिस दर से स्त्रियों की जनसंख्या स्वयं को प्रतिस्थापित करती है उसे शुद्ध पुनरुत्पादन कहते हैं, यानी अगर शुद्ध पुनरुत्पादन दर 1 है तो स्थिर जनसंख्या, शुद्ध पुनरुत्पादन दर 1 से अधिक है तो वृद्धिमान जनसंख्या, और शुद्ध पुनरुत्पादन दर 1 से कम है तो ह्रासमान जनसंख्या, कुजुंस्की ने बताया। जिस अविस्थिर जनसंख्या क्या है, तो यदि जनसंख्या उत्पादन करने वाले स्त्रियों की संख्या 1000 हो तथा संतान उत्पादन आयुकाल से गुजरने वाली स्त्रियों की संख्या भी 1000, तो शुद्ध पुनरुत्पादन क्या होगा, 1 होगा। और वृद्धिमान संख्या, यदि संतान उत्पादन करने वाले आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या 1000 तथा संतान उत्पादन अवधि से गुजरने वाले स्त्रियों की संख्या जो है 1500 है, तो शुद्ध उत्पादन दर है यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। और ह्रास संख्या, ह्रासमान संख्या है यदि संतान उत्पादन आयु वर्ग की
संख्या जो है स्त्रियों की संख्या 1000 है तथा संतान उत्पादन आयु वर्ग से गुजरने वाली स्त्रियों की संख्या 500 है, तो यहाँ पर शुद्ध पुनरुत्पादन दर जो है घट जाएगा यानी ह्रासमान संख्या कहेगी। इनकी आलोचना, तो इनकी आलोचना ये हुई कि उन्होंने बताया कि जनसंख्या बढ़ जाएगी और संतान उत्पादन आयु वर्ग की स्त्रियाँ जो है उन्हीं इस पर ये निर्भर करता है कि जनसंख्या जो है वृद्धि होगी, और इस इनके इस बात की आलोचना हुई। और होप आपको ये क्लास अच्छा है लगा हो, और ये हमारा थर्ड सिद्धांत था। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।